विभिन्न तंत्र क्रियाओं में नींबू का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। आज मैं आपको बता रही हूँ, गाड़ दें एक नींबू इस जगह और फिर देखें चमत्कार, आपकी किस्मत बदलने लगेगी, आपका भाग्य जगने लगेगा। तो किस तरह से आपको ये काम करना है, आइए जानते हैं। आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है और नींबू को अपने सिर से लेकर पैर तक घुमा देना है। इसके बाद उस नींबू को अपनी मुट्ठी में रखकर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो नींबू को देख मतलब नींबू को फील करते हुए बोल देनी है। आप चाहें तो नींबू को एक कटोरी में रख के अपने सामने रख सकते हैं और जो जो प्रॉब्लम है सब नींबू को बोल दीजिए। नींबू ने सारी आपकी प्रॉब्लम सुन ली है। इसके बाद उस नींबू को आपको खड्डा खोदना है और खड्डा किस जगह खोदना है ये मैं अब आपको बताती हूँ। ये खड्डा आपको अपने घर में नहीं खोदना है, आपको जाना है ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई आपको देखे नहीं और वो जगह आपके घर से कम 10 किलोमीटर दूर होनी चाहिए और यह तभी काम करेगा। और वहाँ पर कोई ऐसी जगह, लेकिन सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, घर के लोगों को बता सकते हैं और उनके साथ में ही आपको जाना है। वहाँ पर जाकर आप इस नींबू को खड्डा खोद कर दबा दीजिए और उसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्ची छिड़क कर आ जाइए। घर आकर स्नान कर लीजिए और जो कपड़े आप पहन कर गए थे, कोशिश करें वो कपड़े किसी गरीब को दान में दे दें। तो इसी तरह के कपड़े पहने कि जो आपको लगता है कि आपको अपने वार्डरोब से हटाने हैं, तो इस तरह से आप करें। तो नींबू को ये गाड़ने से आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी, क्योंकि नींबू में आपने सारी प्रॉब्लम डाल दी है और नींबू आपकी सारी प्रॉब्लम को हल करेगा। नींबू इतना चमत्कारी तंत्र की चीज़ है कि बहुत ही सस्ता होता है और बहुत ही सुरक्षा करता है। आपने देखा होगा ना, लोग नींबू मिर्ची नज़र के लिए लटकाते हैं। इसके अलावा नींबू के द्वारा पूरा उतारा करके चौराहे पर भी इसको काट के अलग अलग दिशाओं में डाला जाता है, लेकिन ये जो गाड़ने वाली प्रक्रिया है ना, इसके पीछे काफ़ी जो कारण है वो ये है कि आपने जो नींबू है उसको दफन कर दिया है। आपने अपनी प्रॉब्लम को नींबू के ज़रिए दबा दिया है, दफन कर दिया है और अब वो दोबारा निकल कर नहीं आएगी। खड्डा खोद कर दबाने के पीछे यही रीज़न होता है। तो नींबू दफन प्रक्रिया होती है ये, और इसको करें आप, और इसको करने के बाद में आपके जीवन में